is the concept of kirchhoff laws. okay. kirchhoff's laws. okay. and guys, remember that there are basically two laws given by your kirchhoff. okay. it is sometimes called as your kirchhoff's first law and your second law. okay. to be precise, First law is also called as the junction law or ya junction rule. Okay, say junction rule ka jata hai? Junction rule ka jata hai, fine? or second law, hai. this second law is called as your loop rule. Friends, let me tell you, this Kirchhoff's law are very, very important as far as an electrical circuit is considered, okay? आ, अब, अब अब के से आगे जितने भी हम करेंगे उनमें हर डेरिवेशन में Kirchhoff's law का यूज आने वाला ही है ओके? Okay? तो अगर ये Kirchhoff's law नहीं आता है तो आगे के डेरिवेशन भूल जाओ कुछ नहीं आने वाले है. अगर ये Kirchhoff's law नहीं आता है, है? ठीक टू सिंपल लॉज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट द जंक्शन रूल एंड योर बेसिकली लूप रूल एंड अगर ये दो रूल समझ में आ गए तो आगे के जितने भी derivation है, अ केक वॉक फॉर ओके बट Please remember that you should pay attention when you study the junction rule and the loop rule. Okay, so let us start with the first one. The first one is nothing but your junction rule, Your first law of Kirchhoff. Very simple sa rule. Hai. Junction rule. <coughs> Try and understand this. Okay, fine. Now, ये रूल को पहले मैं लिख देता हूं पहले मैं क्या करता हूँ पूरे रूल को जो है वो लिख देता हूँ उसके बाद में सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैरेंट्स लीविंग द जंक्शन ध्यान से सुनो वापस रिपीट करता हूं एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द कैरेंट्स एंटरिंग द जंक्शन is equal to the sum of the currents leaving the junction words me likhte at any junction the sum of the current the sum of the currents entering the junction ज इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स लीविंग द जंक्शन ओके अब हम जंक्शन की बात करें ना व्हाट एग्जैक्टली इट इज जंक्शन. ये जंक्शन क्या होता है आपने ये जंक्शन वर्ड पहले सुना है कहां सुना है

और कुछ ट्रेन जाती है रिमेंबर बराबर आना भी होना है और जाना भी ना होना है जंक्शन पे पर ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन है इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे कौन आएगा करंट आएगा और कौन जाएगा करंट जाएगा ओके लेट अस अंडरस्टैंड लेट्स से मेरे पास एक जंक्शन है और उस जंक्शन पे एक करंट आ रहा है आई वन कौन आ रहा है वहां पर आई वन आ रहा है ओके okay? सिर्फ आई वन नहीं आ रहा है आई वन के साथ साथ आई टू भी आ रहा है एंड आई थ्री इज ऑल्सो कमिंग ओके फाइन तो यहां पर तीन करंट्स अंदर आ रहे आई वन आई टू एंड आई थ्री ओके सो दे आर द कर एंटरिंग द जंक्शन अंदर आने वाले करंट्स ओके फाइन ओके तो ये लॉ कहता है द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन सम ऑफ द करंट सम मतलब एडिशन राइट तो जितने भी एंटर कर रहे हैं उनका एडिशन ले लो तो दैट विल बी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ओके दे आर एंटरिंग एंटरिंग मतलब इन कमिंग राइट सिंपल लैंग्वेज में दे आर एंटरिंग और इनकमिंग बराबर ओके अच्छा अब यह जंक्शन पे इस पर्टिकुलर जंक्शन पे तीन करंट अंदर आए अच्छा अब जब करंट्स अंदर आए तो बाहर भी तो कुछ जाएगी ना लेट्स करंट आई फोर एंड आई फाइव आर गोइंग आउट करंट्स आई फोर एंड करंट्स आई फाइव आर गोइंग आउट ओके तो इनकमिंग में आई वन आई टू आई थ्री हो गए आउट गोइंग में आई फोर आई फाइव हो गए तो हमें कहा is equal to, आगे पढ़ते हैं द सम ऑफ द करेंट्स एंटर इन इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स लीविंग द जंक्शन लीविंग मतलब आउट गोइंग राइट कौन से कौन से आउट गोइंग है आउट गोइंग आर आई फोर प्लस आई फाइव ओके सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर आउट गोइंग फाइन र्च ऑफ लॉस सिंपली क्या कहता है इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द आउट गोइंग करंट सिंपल लैंग्वेज एकदम सिंपल लैंग्वेज इनकमिंग कमिंग करंट्स इज इक्वल टू द आउट गोइंग करंट सो आई कैन सिंपली राइट डाउन दिस लॉस्टेज दैट इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द आउट गोइंग करंट फाइन समझ में आया ओके okay, अब मैं आपको एक सर्किट देता हूं और अब मैं आपसे पूछूंगा कि किस फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करते चलो एक जंक्शन देता हूं इस जंक्शन पे लेट्स आई वन इज गोइंग आउट ओके अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेंगे इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं जिस जिसको हमें समझ में ना आए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेंगे ठीक है आई वन अब बाहर जा रहा है अब आई टू अंदर आ रहा है राइट right? <coughs> अच्छा आई थ्री अंदर आ रहा है ओके okay? फाइन

ई टू इनकमिंग सो इसको मैं आई टू को मैं इनकमिंग के साइड लिखूंगा ओके आई फाइव आउट गोइंग अकाउंट नहीं होगा आई थ्री इनकमिंग राइट सो आई कैन राइट डाउन आई टू प्लस आई थ्री विल बी इक्वल टू आउट गोइंगोइंग कौन से कौन से आई वन प्लस आई फोर प्लस आई फाइव राइट सो दिस इज नथिंग बट योर किर्च जंक्शन रूल अप्लाइड ओके दिस इज नथिंग बट योर यूर जंक्शन रूल अप्लाइड this particular junction incoming is equal to outgoing very simple rule to be applied okay so first make a note of this then we can go to the loop rule friends we have already studied the junction rule junction rule kya tha? incoming current is equal to outgoing current but the loop rule is not so easy itna junction rule ki tarah easy nahi Thoda effort name, okay fine so let us study now the loop rule come on I'll leave this leave this place for later on and let us start out here your loop rule. Now, what is this loop rule? This is also called as Kirchhoff's second law, one and the same thing, ok. rule, What is this rule? This rule states that the algebraic sum of the potential difference simultaneously The algebraic sum of

resistance okay so the sum of potential difference and okay the sum of potential difference and the electromotive force and the electromotive force electromotive force matlab kya EMF right in short this com EMF refer kerte, that is nothing but your electromotive force so the statement goes like this the algebraic sum of the potential difference and the electromotive force in a closed loop in a closed loop okay in a closed loop of an electrical network of electrical network is zero. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एडिशन एक क्लोज नेटवर्क के लिए मतलब क्लोज होना चाहिए रिमेंबर कब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा सर्किट क्लोज हो ठीक है इज जीरो मतलब इफ यू एड योर पोटेंशियल डिफरेंस ओके शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं पीडी प्लस ई एम एफ दिस विल बी जीरो समझ में सिंपल लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ई एम एफ विल बी जीरो टोटल की बात हो रही है तो आई कैन पुट डाउन सबमिशन आउट हियर एंड सबमिशन आउट हियर बिकॉज एक से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकते हैं एक से ज्यादा ई एम एफ भी हो सकते हैं

कोई कोई बुक्स इसे इससे भी लिखते हैं कुछ ऐसा सम बुक्स राइटेड लाइक दिस बट वी विल प्रीफर कैपिटल ई ओके सो द रूल इज लाइक दिस सबमेशन ऑफ आई आर प्लस योर सबमेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल ई इज जीरो समझ में आए रूल थोड़ा थोड़ा समझो एप्लीकेशन जब समझेगा तो पूरा लूप समझेगा ओके okay? पूरा कंसेप्ट समझेगा ओके बिफोर मूविंग अहेड ये नेटवर्क में या ये लूप में साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं पहले वो समझते हैं चलो लेट्स कम योर लेट अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन ओके फाइन ओके सो टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन ऑफ आई आर ओके आई आर का पहले साइन कन्वेंशन स्टडी करते हैं क्योंकि तो आप देख सकते हो यहां पर दो पार्ट है एक आई आर है और एक ई एम एफ है राइट ई e. तो पहले आई आर का हम स्टडी करते हैं साइन कन्वेंशन एंड फिर उसके बाद हम ई e पे जाते हैं फाइन लेट कम Let us study फॉर IR. So सो say से यू हैव अ सर्किट मतलब क्या यू हैव resistance आर एंड यू हैव अ current आई ओके यू हैव अ current ऑफ आई सिंपल ओके फाइन ध्यान से सुनो ये सर्किट है रेजिस्टेंस आर करंट आई ओके अब जो वर्ड्स कह रहा हूं गोल्डन वर्ड्स है ध्यान से सुनो अगर मैं अपनी लूप ऐसा ट्रेस कर रहा हूं अगर मैं अपनी लूप ऐसा ट्रेस कर रहा हूं मतलब मैं सर्किट में ऐसा जा रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन टेक आई आर एज नेगेटिव ओके सो इफ लूप इज ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ लूप इज ट्रेस इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन टेक आई आर एज नेगेटिव ओके सो राइट माइनस आई आर समझ में आया आई होप दिस इज क्लियर मैं लूप में भी ऐसा जा रहा हूं करंट भी ऐसे जा रहा है देन टेक माइनस आई आर जब करंट और लूप सेम डायरेक्शन में हो सिंपल वर्ड में करंट और लूप सेम डायरेक्शन में तो माइनस आई आर लिखेंगे ठीक है ओके लेट्स कम टू कन्वेंशन वही आई आर का कन्वेंशन यू हैव आई यू हैव मैं लूप सामने से ला रहा हूं ओके okay, अब लूप सामने से आ रही है जो मैं लूप ट्रेस कर रहा हूं ना अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सो रिमेंबर इफ लूप

स्टडी द साइन कन्वेंशन फॉर ई चलो ई के लिए साइन कन्वेंशन अब स्टडी करेंगे के लिए स्टडी कर लिया ना क्या बैटरी ये छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं और ये बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल कहते राइट फाइन अच्छा ध्यान से सुनो अगर मैं लूप को ऐसा ट्रेस कर रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं अगर लूप को मैं ऐसा ट्रेस कर रहा हूं मतलब तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव ई e लिखूंगा ओके ओके रिमेंबर दिस कहा जा रहा हूं मैं कहा जा रहा हूं कहां से कहां जा रहा हूं पॉजिटिव पे जा रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूं तो पॉजिटिव लेंगे सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रखो हम जहां पर जाएंगे ना उसका साइन लेना है समझ में आया हम कहां पर जाएंगे वहां का साइन लेना है सो वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव कहां जा रहे हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं राइट टू टेक पॉजिटिव एंड लेट्स सी द सर्किट इज लाइक दिस एंड यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस

एंड अंडरस्टैंड ओके एक रफ सर्किट में आपके लिए बनाता हूं ठीक है और उस रफ सर्किट पे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा लूप रूल ओके सो लेट्स ड्रॉ अ रफ सर्किट कम ऑन ये कुछ ऐसा सर्किट है ट्राइंड अंडरस्टैंड देरी वेरी केयरफुली ओके सिंपल सा सर्किट ले रहा हूं थोड़ा डिफिकल्ट बाद में लेंगे ओके okay? ज अ वेरी सिंपल सर्किट आई कैन से विच इज कमिंग इन राइट इप इट्स आर वन दिस इज योर आर टू दिस इज योर आर थ्री एंड ये बैटरी है तो इसमें से करंट निकलेगा आय यहां पूरे में से करेंट फ्लो होगा आय राइट ओके ऐसा यहां से फ्लो होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा यहां पर ऐसा जाएगा एंड फाइनली नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा ओके सो लेट्स दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल लेट अस नेम द एंड्स इन एंड्स को एंड्स को नेम दे देता हूं ए बी सी एंड डी ओके फाइन नाउ अब ध्यान से सुनो मैं कौन सा लूप ट्रेस कर रहा हूं वर्ड्स रिपीट करता हूं मैं कौन सा लूप ट्रेस कर रहा हूं आई एम ट्रेसिंग द लूप ए आई विल राइट द नेम ऑफ द लूप बी सी डी ओके हमारा लूप क्या है ए बी सी डी ए दिस इज योर लूप राइट लेट्स स्टार्ट ए टू बी आता हूं ना मुझे वी दिखा है ना मुझे रेजिस्टेंस दिखा है राइट right? ना मुझे वी दिखा है ना मुझे आई आर बेसिकली ना आई आर दिखा है ना ई e दिखा है तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा सिंपल ओके नेक्स्ट जब मैं बी टू सी जाऊंगा तो आप देख रहे हो मुझे आर दिख रहा है राइट right? रेजिस्टेंस दिख रहा है और मैं बी टू सी जा रहा हूं मतलब मैं इस डायरेक्शन में हूं और करंट को देखो करंट भी सेम डायरेक्शन में दे फॉर वी कैन राइट नेगेटिव राइट बराबर अगर मैं और करंट सेम डायरेक्शन में तो वी राइट नेगेटिव आई आर बट आउटर इट इज आर थ्री माइनस आई आर थ्री आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर मैं और करंट सेम डायरेक्शन में दे फॉर आई राइट माइनस ओके अच्छा नाउ ए टू बी हो गया बी टू सी हो गया लेट्स मूव टू सी टू डी जब मैं सी टू डी जा रहा हूं तो मैं ऊपर जा रहा हूं और करंट भी आप देख रहे हो करंट इज ऑल्सो गोइंग ऑन द टॉप मतलब मैं और करंट सेम डायरेक्शन में फॉर आई राइट नेगेटिव और इट बेसिकली टू ए जब मैं सी टू ए जा रहा हूं तो पहले मुझे आर वन मिलेगा और मैं इस डायरेक्शन में करंट भी सेम डे फॉर आई कैन राइट डाउन माइनस आई आर वन क्लियर अच्छा यह भी हो गया क्योंकि मैं और करंट सेम डायरेक्शन में थे मैं मैं अपना रेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ राइट आई वेंट लाइक दिस लाइक दिस एंड दिस विल बी इक्वेटेड टू जीरो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड हाउ टू राइट डाउन सिंपल लूप माइनस आई आर थ्री माइनस आई आर टू माइनस क्यू देखो ए बी के लिए तो कुछ नहीं फिर माइनस क्यू क्योंकि मैं भी ऐसे ही जा रहा हूं ए बी सी डी ए इस डायरेक्शन में जा रहा हूं करंट भी सेम डायरेक्शन में नेगेटिव फिर इट विल बी माइनस आई आर करंट भी सेम डायरेक्शन में नेगेटिव डी टू ए जाने पे माइनस आई आर वन देन मैं नेगेटिव टू तो पॉजिटिव जा रहा हूं तो जहां जाता हूं वहां का साइन होता है right? राइट तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव राइट सो आई होप द साइन कन्वेंशन एंड द लूप इज क्लियर सो वी हैव सीन अ सिंपल लूप मेक अ नोट ऑफ दिस फर्स्ट देन वी कैन मूव टू अ कॉम्प्लेक्स लूप

लेट्स टेक अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट थोड़ा बड़ा सर्किट लेते चलो डरना नहीं है बड़े सर्किट से स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है बड़ा सा सर्किट देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ओके okay. चलो लेट्स टेक अ बिग सर्किट सो लेट्स से दिस इज योर सर्किट यू हैव सम बैटरी ओके दिस इज योर बैटरी दिस इज योर रेजिस्टेंस देन दिस इज वन मोर रेजिस्टेंस ओके दिस इज वन मोर रेजिस्टेंस लेट्स से फाइन देन यू हैव वन बैटरी आउट हियर अगेन

फाइन यू नो दिस बिग टर्मिनल इज द पॉजिटिव टर्मिनल स्मॉल टर्मिनल इज द नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ओके और मैं काम करता हूं ये जो लूप बनी है ना इस सर्किट को के एंड पॉइंट्स को नेम कर देता हूं ओके सो एल गिव दिस नेम एज ए बी सी डी ई एफ ओके फाइन आई होप थिंग्स आर क्लियर ना ये जो बैटरीज है ये बेसिकली करंट सप्लाई करेगी राइट तो लेट्स से ई वन इज सप्लाइंग करंट ऑफ आई वन तो डेफिनेटली यू कैन से आई वन इज द करंट कमिंग आउट फ्रॉम यूर आई वन आई वन राइट बराबर आई वन यहां से निकल रहा है और इसकी बात करूं ई टू की तो लेट्स से दिस ई टू इज सप्लाइंग करंट ऑफ आई टू सो ये आई टू यहां से पर यहां से आ रहा है राइट तो इफ यू ऑब्जर्व नाउ योर जंक्शन बी देन ऊपर से आई वन आ रहा है नीचे से आई टू आ रहा है ये दोनों यहां पर मिल जाएंगे एंड फाइनली यहां पर करंट क्या होगा आई वन प्लस आई टू

इन कमिंग कौन सा है इस जंक्शन पे यू कैन से आई वन एंड आई टू आर इन कमिंगन से इनकमिंग विल बी आई वन प्लस आई टू दिस विल बिकम द आउट गोइंग ओके आउट गोइंग करेंट सिंपल ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्ट कि अब ये जो ब्रांच बीई है बीई में कितना करंट फ्लोर है बीई में करंट फ्लोर है आई वन प्लस आई टू क्लियर ओके नाउ जब ये आई वन प्लस आई टू है ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा ई e पे तो डेफिनेटली यू नो आई वन बैटरी ई वन से निकला था तो अब वापस आई वन ही बैटरी ई वन ई वन में पहुंचेगा राइट जितना जो बैटरी से करंट निकला है नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट पहुंचना है सॉरी पॉस, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलता है वो ही नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव टर्मिनल से फाइव एम्पियर्स का करंट बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव पूरे सर्किट में घूमने के बाद नेगेटिव टर्मिनल में भी एम्पियर का ही करंट रीच करेगा राइट ऐसा नहीं होगा कि कुछ ज्यादा करंट पहुंच जाएगा नहीं आई कैन से से यहां आ रहा है, I1 I2 बन रहा है बन और वापस जाने के वक्त वापस यहां पर क्या हो जाएगा आई वन हो जाएगा डेफिनेटली राइट ओके क्लियर सिमिलरली आई वन प्लस आई टू का आई वन पार्ट चला गया तो आई टू पार्ट वापस यहां आ जाएगा दे आई कैन से दिस विल बिकम द आई टू पार्ट टू आई टू विल कम बैक अगेन टू दिविन रिविजन दोनों देखो आ रहे हैं यहां से आई वन आया दोनों मिलकर आई वन प्लस आई टू ऐसा गए यहां पर आके वापस दोनों स्प्लिटअप हो गए आई वन अपने सेल में आई टू अपने सेल में राइट ओके सो दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट आई होप ज्यादा डिफिकल्ट अच्छा अब इस पे अप्लाई करना है मुझे रूल, okay. कि तरह से बंद हो उस पर ही अप्लाई होगा ओपन सर्किट पे अप्लाई नहीं होता ठीक है अगर ये ओपन सर्किट होता है तो इस परिच ऑफ का रूल कभी भी अप्लाई कर ही नहीं सकते सो लेट एस अप्लाई द ऑफ रूल टू योर लूप ओके सो लेट्स लूप लूप ए बी सी सॉरी ए बी ई एफ एके ये ऊपर वाली लूप ले रहा हूँ पूरी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ एट वन टाइम आई एम जस्ट कंसिडरिंग द अपर वन ओके सो लूप ए बी ई एफ ए आई होप यू ऑल अंडरस्टुड कौन से की बात हो रही है ए बी ई एफ एके सो अब मैं लूप को कैसा ट्रेस कर रहा हूँ आई एम ट्रेसिंग द लूप लाइक दिस ए बी ई एफ ए राइट लाइक दिस राइट लाइक दिस स इज द डायरेक्शन ऑफ माई लूप ट्रेसिंग आप पेंसिल से छोटा सा बना सकते हो ओके सो लेट एस स्टार्ट ए टू बी यहां पर कुछ हम एक रेजिस्टेंस दिख रहा है नहीं बैटरी दिख रही है नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा ठीक है फाइन बी टू ईके बी टू ई में हाउ मच इज द करंट करंट इज आई वन प्लस आई टू ओके मेरा भी डायरेक्शन मैं भी बी टू ई ऐसा जा रहा हूं करंट भी ऐसा जा रहा है हेंस नेगेटिव लिखते राइट अगर मेरा डायरेक्शन और करेंट का डायरेक्शन सेम है

करंट इज आई वन राइट देखो यहां पर करंट आई वन प्लस करंट आई वन प्लस आई टू लिखा है पर इस ब्रांच में करंट इज आईनस आई वन इन टू द रेस्ट आर टू फाइन क्लियर नाउ आफ्टर ई एफ लेट्स गो टू एफ एके अब EF के बाद गो टू एफ एके वेन वी गो टू एफ ए मैं भी इस डायरेक्शन में हूं करंट भी इसी डायरेक्शन में तो एंड करंट इज माइनस आई वन

बी सी डीई बी अब आपका फोकस सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे होना चाहिए ठीक है कौन से लूप है बी सी डीईबी में ऊपर वाला फिलहाल के लिए रफ बनाया था तो मैं रफ कर देता हूं सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज ना वॉट वील डू इज नाउ आ लूप इज इन दिस डायरेक्शन बी सी राइट आई जस्ट ड्रॉ इट रफली पहले बी टू सी फिर सी टू डी फिर डी टू ई

बट करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मैं ऐसा जा रहा हूं करंट ऑपोजिट में आ रहा है राइट right? देख सकते हो करंट ऐसा आ रहा है और मैं ऐसा जा रहा हूं दे फॉर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा करंट इज आई टू सॉरी आई वन प्लस आई टू राइट आई वन प्लस आई टू एंड द रेजिस्टेंस इज मल्टीप्लाइड बाई आर फोर दिस इज नाउ इक्वल टू जीरो सो दिस कंप्लीट्स योर लूप बी सी डी ई बी समझ में आया कैसा लूप बनाया ओके okay. नाउ दो छोटे छोटे लूप्स तो हो गए अब लास्टली एक बड़ा वाला लूप ले, ले लेते हैं फिनिश कर देते ठीक है चलो लेट्स टेक द बिग लूप लूपर पे अटेंशन डायग्राम देखते रहना। डायग्राम नहीं छूटना चाहिए हमारी आंखों के सामने से द बिग लूप एफ होप समझ में आया पूरे लूप की बात हूं ए बी सी डी एफ ए ऑन लेट्स ए टू बी कुछ भी नहीं है बी टू सी कुछ भी नहीं है सी टू डी ऑन मैन यू कम फ्रॉम सी टू डी सी टू डी में जब मैं यहां से यहां रहा हूं तो सबसे पह पहले बैटरी दिखेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव सो वील कंसिडर दाइन नेगेटिव ई टू राइट देन आर फाइव देखा मैं ऐसा हूं करंट ऑपोजिट में है तो पॉजिटिव राइट सो इट विल बी आई टू वट इज द करंट फ्लोइंग आई टू एंड रेजिस्टेंस इज आर फाइव क्लियर राइट डन नाव फ्रॉम सी टू डी

तो आर वन मिलेगा मैं भी इस डायरेक्शन में हूं करंट भी इसी डायरेक्शन में देयरफॉर नेगेटिव आई वन आर वन राइट देन कमिंग टू द बैटरी राइट कहां जा रहा हूं पॉजिटिव जा रहा हूं सो इट विलू जीरो सो दिस इज नथिंग बट

और पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं मतलब कहागेटिव तो जा रहा हूँ राइट इट एज ओके अगर ये लॉ पता है ये कंसेप्ट समझ में आया तो वी कैन राइट इट फॉर एन नंबर ऑफ लूप कितनी भी बड़ी लूप्स हो कैसा भी कितना भी डेंजरस डायग्राम हो वी कैन डू इट वेरी कंफर्टेबली ओके फाइन सो मेक अ नोट ऑफ दीज थ्री लूप्स वेरी वेरी केयरफुली